राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए हैं। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए हैं। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा है। आइए आपको बताती है कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव। मुगल बादशाह बाबर के सिपहलासार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। लेकिन असली विवाद शुरू 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां बाहर रख दी है। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। यूपी सुन्नी वल्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजिशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वल्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। बाद में मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। PM नरेंद्र मोदी, RSS सरसंघ चालक मोहन भागवत, UP के CM योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले PM मोदी ने दर्शन किया, राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और आज 22 जनवरी को श्री रामलला अपने अयोध्या लौट रहे हैं, जिसका आनंदोत्सव समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। सभी ओर श्री राम के आगमन पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए NBC News। जय श्री राम।